भैया जी कैद में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। समस्या का हल नहीं मिल रहा, कोरोना लगातार समस्या बना हुआ है। कोरोना तो छोड़िए, उसके बाद जो ब्लैक फंगस है, लोग परेशान हैं दवा को लेकर, उसके बाद तीसरी लहर का जो अंदेशा है उस पर तमाम चर्चा है, परिचर्चा है, देश दुनिया हैरान है, परेशान है। लेकिन आज का जो मौजूद है, आज का जो टॉपिक है जिस पर हम बातचीत करने आए हैं, वो कोरोना नहीं है। कोरोना के समानांतर एक और समस्या है। समस्या इसलिए कह रहा हूं कि जब लोगों से कहा गया कि घर में बैठना है और जरूरी हो तभी बाहर निकलना है, ऐसे में किसान यूनियन जो है उसने 26 मई को काला दिवस मनाने की और जगह जगह प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। अब अंदाजा लगाइए, आम जो जनता है उसके लिए तो लॉकडाउन जैसा चीज है, उसको तो घर में बैठना है, लेकिन किसानों का जो आंदोलन है जो लगातार 6 महीने से चला आ रहा है, उसको इसी 26 तारीख के उसके 6 महीने पूरे होंगे। तो लिहाजा जो 6 महीने का जो पूर्ति है उसके विरोध में पूरे देश में काला दिवस मनाना है उन्हें और प्रदर्शन करना है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है, जब किसान यहां से लौटे आंदोलन के बाद, यानी ये बात है लाल किले का, जब वो 26 जनवरी को वो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बातचीत सरकार से बंद हो गई, तो जब वो लौटे तो कोरोना फैला गांव में। ये हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी की बात है जहां पे लोग अभी भी जूझ रहे हैं और परेशानी बहुत बड़ी है। अब इन तमाम समस्या के बीच में 12 प्रमुख विपक्षी दलों, जिसमें कांग्रेस से लेकर शिवसेना, शिवसेना से लेकर समाजवादी पार्टी, सभी प्रमुख पार्टियां इसमें शरीक हैं, उन्होंने इस काला दिवस में उनको समर्थन किया है। प्रदर्शन की बात है और जो ताजा हालात है, सूरत हाल है, वो ये कि दिल्ली का जो सिंघू बॉर्डर है, जहां पे जिससे आप परिचित हैं, जहां पे तमाम किसान इकट्ठा थे, वहां पे लोग किसान पहुंचने लगे हैं, कटाई खत्म हो चुकी है, लिहाजा अब वहां पे धीरे धीरे वो आने लगे हैं। ये तमाम सूरत हाल है। कोरोना से आप भली भांत परिचित हैं, ब्लैक फंगस पे हम रोज चर्चा कर रहे हैं, दवाइयां नहीं हैं, परेशानी के हालात हैं। मेहमान जो आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी चर्चा से जुड़ने के लिए, आखिर उनके पास क्या हल है और आखिर यह आंदोलन क्यों है, इस पर पहले हम आपका परिचय करा दें। गुरु प्रकाश जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साधना भारती कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, थैंक यू सो मच साधना। धर्मेंद्र मलिक साहब मौजूद हैं हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन से, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र मलिक साहब। डॉक्टर सुबा रावल शिवसेना से यहाँ पे पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, डॉक्टर सुबा रावल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। जब आज का पैनल मैं बना रहा था उसमें मैंने अपने जो रिसर्च टीम है और जो हमारे प्रोड्यूसर है उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर जरूर हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, तो डॉक्टर अजय और डॉक्टर शुभा रावल शिवसेना से, ये दो डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस भी करते हैं और जो भली भांत समझते हैं, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन से मैं कहना चाहता हूँ, पहले बात करना चाहता हूँ, धर्मेंद्र साहब ये बताएं कि 11 लोगों ने, जो 40 लोग थे उनमें 11 किसान यूनियन जो थी उन्होंने तो चिट्ठी लिख के बातचीत की बात कह दी, आखिर दिक्कत क्या है? जब कोरोना का संकट है, देश जूझ रहा है, ऐसे में प्रदर्शन की क्या औचित्य है? रुका जा सकता है, वेट किया जा सकता है, लेकिन नहीं, आंदोलन की इसी समय में फौरी तौर पर आवश्यकता, ये जानना चाहता है देश और पूछ रहे हैं हम आपसे भैया जी कहीं में। धर्मेंद्र मलिक जी, जी नमस्कार, आपने आज मुझे बुलाया इस पैनल में, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि 26 तारीख के आंदोलन को लेकर शायद कोई गलत फहमी है। 26 तारीख का आंदोलन किसान अपने घर पे मनाएगा, वो कहीं भीड़ इकट्ठा नहीं करने जा रहा है, वो 26 तारीख में अपने घर पे काला झंडा लगाएगा। अगर घर से बाहर कहीं जाएगा, अपने ट्रैक्टर पे, अपनी मोटरसाइकिल पे, वो काला झंडा लगाएगा और वो गाँव में 5 आदमी इकट्ठे हो गए किसी चौराहे पे, भारत सरकार का पुतला दहन करेंगे, कोई बड़ी भीड़ इकट्ठी नहीं होने जा रही है और 5 लोग उसे जो है आपस में दूरी भी काफी बन सकती है और वो गांव के चौराहे पे ही उसको किया गया है और उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। तो हमारा जो आंदोलन है, देखिए, देश सबके लिए सर्वोपरि है, एक धारणा बनाई जाती है, एक दोष दिया जाता है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि क्या किसान अब इतने पागल हैं देश में कि उनको जान की कीमत नहीं पता? किसान पूरी सावधानी के साथ अपना आंदोलन भी चला रहे हैं और अपना खेत भी चला रहे हैं।
जितने लोग हम एक साथ यहाँ पे रहते हैं उतने तो हम एक साथ खेत में भी रहते हैं, हमारी मजबूरी है। हम लॉकडाउन भी देश में होगा तो भी हमें अपने खेत में काम करना पड़ेगा, अपने परिवार के साथ, अपने मजदूरों के साथ, क्योंकि अनाज कारखाने में पैदा नहीं हो सकता कि उसको लॉकडाउन किया जा सके। बिल्कुल, एक निरंतर प्रकृति है जो चलती रहेगी। तो किसान खेत में भी काम कर रहा है। और आंदोलन में एक बात और मैं आपको बताऊं, पिछले एक महीने से हमने अब ये भी ज्यादा प्रतिबंधित कर दिया कि इतने अब जो लोग हैं, बीच में कुछ लोग आए थे कि अब कोई यहाँ से ना जाए और ना अधिक लोग दिल्ली आए, क्योंकि यहाँ पे उतनी संख्या मौजूद है। प्रतीकात्मक रूप से सब जगह आंदोलन चल रहे हैं। जब कोरोना की ये जो कहर है, जब ये थोड़ा शांत होगा, क्या देश की स्थिति बनेगी, इसके बाद आगे की रणनीति होगी। लेकिन 26 तारीख को हम केवल किसान दिवस, काला दिवस इसलिए किसान मनाएंगे कि वो भारत सरकार को बताना चाहते हैं कि देश का किसान आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध है। और वह आंदोलन जिसको आप कहते हैं कि खत्म हो गया, मर गया, वो आंदोलन जिंदा भी है और देश में खड़ा भी है। केवल इसी बात के लिए हमने 26 आंदोलन काला दिवस मनाने का निर्णय लिया। धर्मेंद्र जी, आप काला दिवस मनाएं, आपको विरोध का प्रदर्शन की छूट है, लेकिन जब जिन स्थितियों परिस्थितियों में देश गुजर रहा है वो आप भली भांत परिचित है। जी मुझे आवाज आ रही है, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? धर्मेंद्र जी आवाज आ रही है आपको? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, एक आपने आश्वासन लाल किले का जब वो जो घटना हुई उस समय भी दिया था। धर्मेंद्र मलिक जी आवाज आ रही है आपको? नहीं, अब आपकी आवाज है, मेरी आवाज आपके पास है? धर्मेंद्र मलिक जी, मैं, दो डॉक्टर्स इस पैनल पे मौजूद हैं, मैं जानना चाहता हूं, डॉक्टर शुभा राहुल और यहां पे हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर अजय हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शुभा राहुल, उन्होंने कहा कि काला दिवस घर में मनाएंगे, आश्वासन उन्होंने दिया है कि जहां जहां आपके गांव है वहां पे 5 लोग इकट्ठा होंगे और पुतला फूकेंगे और उसके बाद घर चले जाएंगे। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं और जो लोग बैठे हैं वहां पे और जो लोग आ रहे हैं पंजाब और हरियाणा से, वो चिंता का विषय है। दिल्ली ने जो संकट देखा है, मुंबई ने जो संकट देखा, वो आप भली भांति परिचित हैं। बीइंग अ डॉक्टर जो कि कोविड टास्क फोर्स में आप खुद मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या ये एडवाइजेबल है एक किसान के लिए कि वो आए, अपने को खतरे में डाले, लौट के जाए, गांव को खतरे में डाले, और ये जो स्थितियां वहां पे लगातार बैठे हुए हैं, ये कहां तक जायज है? डॉक्टर शुभा राहुल, जी देखिए, अगर मैं डॉक्टर के हिसाब से बोलूं तो कहीं पे भी ज़्यादा भीड़ होना ये बहुत बुरी बात ही है। किसान हो या कोई भी हो, वो भी हाई रिस्क पे ही है। तो उन्होंने अगर अपनी बात कहनी है तो मेरे ख्याल से इस तरह से कही जाए कि खुद को भी परेशानी ना हो, खुद को भी रिस्क ना हो, और अपनी बात भी कही जाए। तो ऐसे कई तरीके हैं वो मुझे लगता है अपनाने चाहिए, क्योंकि जैसे बंगाल के इलेक्शन में इतनी सारी भीड़ हो गई, कहीं कहीं पे पॉलिटिकल भीड़ होती है, तो वो उसके बाद में ही 10 दिन के बाद अचानक से बहुत सारे केसेस पॉजिटिव आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये डॉक्टर शुभा राहुल आपकी ईमानदारी को मैं प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, मैं आपकी ईमानदारी को सैल्यूट करता हूं। आपने कहा बीइंग अ डॉक्टर अगर मैं बोलूं तो यह गलत है, लेकिन उस पे जो सिग्नेचर करने वाले 12 विपक्षी पार्टियां हैं, उसमें सोनिया गांधी, एच जी देवगौड़ा, शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे भी शरीक है। अब आप समझिए, आप मुझे बताइए, जब लीडर साइन करता है, सिग्नेचर करता है, तो उसके पीछे तो जो जनता खड़ी है, उसके जो सपोर्टर्स हैं, वो तो यही समझेंगे ना कि हमारी पार्टी के जो आला कमान है उसने साइन किया है, सिग्नेचर किया है, समर्थन दिया है, तो मुझे तो बैठना चाहिए, मुझे तो आना चाहिए। तो ये तो दोहरापन है ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड्स हुए ना डॉक्टर सुभा राहुल। हाँ यही है ना, जब पार्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर किसानों की जो तकलीफ है वो आज तक क्यों इतना बेध्यान रहा गया, ये भी बहुत जरूरी है देखना।
क्योंकि जितनी जितनी बार किसानों ने कोशिश की है उतनी बार उनके और इग्नोरेंस ही हुआ है। तो ये सब बातें हैं उनके मन की बातें, वो उभरनी भी चाहिए। यही मैं कहती हूँ कि जो जो नीचे के स्तर के लोग हैं ध्यान न दे, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है। किसानों का दर्द, किसानों का दर्द, किसानों की आवाज जरूर सुनी जानी चाहिए। जब देखें देश में संकट हो, धर्मेंद्र साहब आपकी आवाज जुड़ गई है, धर्मेंद्र मलिक साहब आपको आवाज सुनाई पड़ रही होगी। आप ये कहने पांच लोग जाएंगे और पुतला फूकेंगे, आप ही तो लोग थे, आप ही ने तो कहा था कि ट्रैक्टर रैली नहीं निकलेगी, कुछ नहीं होगा, लाल किले पे क्या हुआ ये आपको मालूम है। तो अब आप कह रहे पांच पांच लोग जाएंगे, कल्पना आप एश्योर कर सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से, वो पांच लोग जो इकट्ठा होंगे वो सिर्फ पांच होंगे, और वो पांच भी इकट्ठा होकर जाएंगे तो क्या खतरा मौजूद होगा इसका, इसके बारे में बताइए। पुलिस तो मार रही है डंडा जो आदमी मोटरसाइकिल पे जा रहा है उसको मुर्गा बना रही है, और आप कह रहे हैं पांच लोग जाएंगे वहां पे पुतला फूकेंगे, ये कहां की जायज बात है? नहीं, कहां जाएंगे जी, वो कहीं गांव से बाहर थोड़ा जा रहे हैं। मैंने आपको कहा कि अपने ही गांव के निकट के चौराहे पे, गांव के अंदर, गांव में तो कोई लॉकडाउन नहीं लगा, आवाजाही पे तो शहर में भी रोक नहीं है, लेकिन वो तो अपने ही गांव के चौराहे पे जाएंगे, और एक गांव अध्यक्ष और उसके चार आदमी होंगे, और इससे ज्यादा हमारा कोई घर पे जाएंगे। धर्मेंद्र मलिक साहब, सिंघू बॉर्डर पर जो किसान इकट्ठा हो रहा है, जो किसान बैठा हुआ है जी, उसका उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी गारंटी कौन ले रहा है? उसकी गारंटी हमारी है, हमारे तो किसी बॉर्डर पे केस नहीं आया। देखिए गारंटी ये नहीं, कौन कहता है टीका नहीं लगवाना है, हम सरकार से वैक्सीनेशन की मांग कर रहे हैं, हम तो बार बार कह रहे हैं कि किसानों को वैक्सीनेशन दिया जाए। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए कि आज कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता, भगवान भरोसे देश है, देश में कुछ बचा नहीं है, ऑक्सीजन तो, पैरासिटामोल तक ये काला बाजारी रोक नहीं पाए। डॉक्टर अजय आलोक ठीक है, कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता। डॉक्टर अजय आलोक, मैं दोनों कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी प्रवक्ता के पास बाद में आना चाहता हूँ। डॉक्टर अजय आलोक, मैं जानना चाहता हूँ, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता क्योंकि इलाज मालूम ही नहीं, लेकिन ये तो मालूम है इसे निषेध करने से हम बचाव कर सकते हैं, ये तो मालूम है ना, इससे तो मालूम है कि अगर हम घर में बैठेंगे तो हम इससे दूर रहेंगे, मास्क लगाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो हमें ये नहीं होगा, ये तो मालूम है ना धर्मेंद्र मलिक साहब? डॉक्टर अजय देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो घर से भी नहीं निकले उनको भी कोरोना हुआ, उनकी भी डेथ होगी, तो ये कोई ठीक है, मुझे मालूम था आप यही तर्क देंगे। लगाना मैं कहता हूँ, मैं इसका पक्षधर हूँ। ठीक है जो, हाँ ठीक ठीक है धर्मेंद्र मलिक साहब, मुझे मालूम है आपका तर्क यही आना था कि जिन जो घर में भी रहे उनको भी हुआ तो इसलिए सबको बाहर आना चाहिए। ठीक, डॉक्टर अजय आलोक। प्रतीक जी, सबसे पहले तो इस किसान आंदोलन ने बहुत सारे हमारे किसानों की जान ले ली कोरोना के कारण, उन सबको अपनी तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। देखिए राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल है, कोरोना के कारण आप कैसे बोल सकते हैं हरियाणा के, अरे डॉक्टर साहब आप, अरे कोरोना आपके बड़े बड़े नेता कोरोना से संक्रमित हुए, उसमें मौत भी हो गई है। अब एक मिनट मैं बोल लूं पहले किसकी जान गई, दो चार नाम, अरे संवेदन नाम बता दो ना आप भैया, संवेदनहीनता दिखाइए ना प्रोग्राम पे, आप मुझे नाम बताओ कैमरे के सामने, संवेदनहीनता प्रोग्राम पे मत दिखाइए, इस देश में अभी तक 3 लाख लोग मर चुके हैं। अरे आप गलत, आप देश में 3 लाख से ऊपर जान जा चुकी है, आपको अपने आंदोलन की पड़ी है, इतनी संवेदनहीन मत बनिए। सुन लीजिए मेरी बात, बताइए कोरोना से क्या किसान आंदोलन के नेता शहीद नहीं हुए, मरे नहीं के चार नाम बताइए। आज पंजाब में इतना संक्रमण बढ़ा हुआ है, हरियाणा में संक्रमण बढ़ा हुआ है, पंजाब में इतनी मौतें हो रही हैं, आप कह रहे हैं बाहर नहीं निकलो, घर में बैठे बैठे भी कोरोना हो जाता है, तो जो ये पांच लोग बाहर जाएंगे अगर किसी को कोरोना हुआ तो घर कोरोना लेके ही आएगा ना। अगर पांच लोग बाहर जाते हैं गांव के चौराहे पर, अगर किसी एक व्यक्ति को भी संक्रमण हुआ वो पांचों को फैलाएगा, वो पांचों अपने घर में लौटेंगे तो कोरोना घर में आएगा या नहीं आएगा, इतनी तो जानकारी कम से कम आप लोग नेता लोग हैं। इसका मतलब अपने लोगों को जानकारी आपको भी होनी चाहिए, वो संक्रमित होकर घर आ गया तो वो घर में कोरोना लाएगा नहीं आएगा, फिर आप कैसे कहेंगे कि घर में बैठे बैठे कोरोना हो जाता है? आपके ये भ्रामक जानकारी नहीं देनी चाहिए के चुनाव में, अरे नहीं भ्रामक लोग भ्रामक बात, अरे भ्रामक बात अगर लोग सुनते हैं तो आपका एक ही अभी मैसेज होना चाहिए कि घर में रहिए। किसान आंदोलन पे सवाल उठा दिया, एक कोरोना से लोग मरे हैं,
सुन लीजिए धर्मेंद्र मलिक जी, सुन लीजिए एक शब्द होता है एसिम्प्टोमेटिक। धर्मेंद्र मलिक जी एक शब्द होता है एसिम्प्टोमेटिक। डॉक्टर शुभा राहुल बताएंगी आपको, टास्क फोर्स में है वो, एसिम्प्टोमेटिक, कोई लक्षण नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव हैं, वो बताएंगे डॉक्टर अजय, बता सकते हैं आपको, तो आप बाहर निकले और कैसे खतरा आया, डॉक्टर अजय प्लीज बताइए। देखिए मेरा प्रतीक जी यही कहना है कि एसिम्प्टोमेटिक वैसे मरीज जिनमें कोई लक्षण नहीं है, लेकिन अगर वो घूम रहे हैं उसी को हम सुपर स्प्रेडर भी कहते हैं। कोरोना को फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका इन्हीं लोगों की है। अगर कोई पांच व्यक्ति मान लीजिए गांव के चौराहे पर आज इकट्ठे होते हैं 26 अप्रैल को, उसमें एक व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक है, वो पांचों को फैला देगा, और वो पांच जब अपने घर जाएंगे तब अपने घर में फैलाएंगे। ऐसे होता है घर में बैठे बैठे लोगों को कोरोना। मेरी धर्मेंद्र जी से ये कहना है कि धर्मेंद्र जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ये नेता हैं, इनकी इतनी लोग बातें सुनते हैं, तो एक लाइन का मैसेज होना चाहिए कि भैया अभी बाहर मत जाओ, अभी इन्फेक्टिविटी फैली हुई है, पंजाब के साथ पंजाब हरियाणा में इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ब्लैक फंगस तक हो रहा है, तो क्यों रिस्क लेना है? अभी लॉकडाउन जब लगाया हुआ है तो इसी के लिए लगाया है ना कि लोग नहीं मिलें, तो फिर लॉकडाउन का मतलब क्या है अगर हम लोग खुद ही लॉकडाउन को हर गांव-गांव में तोड़ देंगे, अगर इनकी बात मान ली जाए तो ये कहीं से भी तर्कपूर्ण आज के तारीख में नहीं है। राजनीतिक बात अपनी रखना बहुत जरूरी है, हर संगठन के लिए जरूरी है। आदरणीय आलोक जी को आज ये जानकारी हुई कि ये अगर पांच लोग जाएंगे तो कोरोना फैल जाएगा, क्या ये जानकारी उन्हें उस वक्त नहीं थी जब बंगाल में चुनाव उत्सव मनाया जा रहा था, कुंभ उत्सव मनाया जा रहा था, आईपीएल कराए जा रहे थे? और तर्कपूर्ण बात तो कौन कौन से नेता भाजपा के ने तर्कपूर्ण बात की, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। भाजपा के बड़े बड़े नेता ये कहते हुए नजर आए हैं, चाहे वो आतंकवाद के आरोपी गॉडसे को देशभक्त बताने वाली भोपाल भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो, चाहे बलिया के सुरेंद्र सिंह विधायक, उन्होंने ये कहा गौमूत्र पीने से हमें कोरोना नहीं होगा। और तो और इनके केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन बेनीवाल कहते हैं कि भाभी जी पापड़ खाओ और कोरोना भाग जाएगा, हर्षवर्धन जी कहते हैं डार्क चॉकलेट खाओ और कोरोना भगाओ। और यही सोचते हुए चाहे इसी अंधविश्वास की किट में जो गोबर लेप लगाओ किट, गोमूत्र पियो किट, और ये जो किट इन्होंने बनाई है शंख बजाओ किट, घंटी बजाओ किट, थाली बजाओ किट, इन अंधविश्वासी किटों में भरोसा था शायद मोदी सरकार को, इसीलिए 2021 अप्रैल के अंदर इन्होंने कह दिया था कि हमने बिना वैक्सीन के कोरोना की जंग जीत ली है। कांग्रेस की बहन की बात मान लेता हूँ तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि अगर बाकी लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो क्या आप भी उसी नाव पे चलेंगी या आप कुछ अलग हटके करेंगी? आप तो 70 वर्ष से आपने देश में शासन किया है, सबसे पुरानी पार्टी है, आप भी उसी राह पर चल लीजिए। फिर मैं साधना भारती और जिनका हम सहयोग साधना भारती मैं बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि आप बात सुनती हैं, मैं आपके बात करना चाहूँ। जब भी मैंने कोरोना पे पॉलिटिकल डिबेट करी है, अलबत्ता मैंने बंद कर दी डिबेट पॉलिटिकल, लेकिन जब भी डिबेट करी है मैंने ये बात कही है कि ऑन रिकॉर्ड कहा है कि राहुल गांधी का वो ट्वीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जो उन्होंने ट्वीट किया था। मैं उसको कोट करता हूं, बराबर कोट करता हूं कि फरवरी में ट्वीट कोट किया है उन्होंने 2020 में, और मैं उसका क्रेडिट देता हूं। लेकिन आज आप यहां पे आके बात कहें तो वही बात जो अजय ने कही वो तो बात सच हो जाएगी फिर, कि आप क्यों मान रही हैं, आप अपने को कंट्रीब्यूशन क्या दे रही हैं ये मुझे बताइए। डॉक्टर शोभा राहुल ने तो बोला कि ये गलत है। अगर ऐसा डॉक्टर आप उससे पूछेंगी तो उन्होंने कहा शिवसेना सिग्नेटरी है, सिग्नेचर किए उसमें, उसके बाद तो डॉक्टर शोभा राहुल ने कहा ऐसा डॉक्टर आप उससे पूछेंगे तो वो गलत है। माननीय प्रतीक जी मैं जवाब दे देती हूँ। देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि हम आपदा में अपनों का सहयोग कर रहे हैं। हाँ मैं मानती हूँ, ये चीज कहती हूँ कि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, लेकिन घरों के अंदर से इसीलिए विरोध आज किया जा रहा है। मैं बता देती हूँ कि मोदी सरकार आपदा में अवसर ढूंढकर जो कि 1100 रुपए की डीएपी खाती, मैं गाँव में बैठी हूँ मध्य प्रदेश बालाघाट के खेलान जी में, गाँव के किसान से पूछिए डीएपी खाद 1900 रुपए कर दी है इन्होंने, और एनपीकेएस जो खाद है वो इन्होंने 1175 से 1775 कर दी है। मतलब आप आपदा में अवसर ढूंढकर किसानों पर लाठियां भांजते चले जाएंगे और किसान विरोध भी ना करें। अगर आपको परेशानी, हमने ये सवाल जायज है आपका, ये सवाल आपको मैं पूछ सकते हैं, आप मैं ये गुरु प्रकाश देंगे
लेकिन मैं डिबेट को एक मिनट यहाँ पे एक मिनट के लिए रोकता हूँ। और हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी साहब जुड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी का स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। नोबेल लॉरेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आज आप एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक से आए हैं, मैं और बच्चों के ऊपर थी, देश दुनिया के स्वास्थ्य मंत्री इकट्ठा थे और दुनिया के स्वास्थ्य मंत्री WHO के तहत इकट्ठा थे, जिसको कि आपने संबोधित किया, किसी स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं, देश के लिए यह गौरव की बात भी है। मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं कि तीसरी लहर के लेकर जो चिंता बनी हुई है, खासतौर से बच्चों को लेकर, वहां क्या चर्चा हुई और क्या कुछ निकल के आया, मैं जानना चाहता हूं। डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी। धन्यवाद प्रतीक जी। राजनीतिक गहमा गहमी के आपकी बातचीत के बाद आप किसी शांति पुरस्कार वाले से बात कर रहे हो तो बात हमारी शांतिपूर्ण होगी। देखिए, मैंने बार बार कहा है और आज भी कहा है कि ये कोरोना की त्रासदी केवल स्वास्थ्य का संकट नहीं है या आर्थिक संकट नहीं है, ये न्याय का, मानवता का, समानता का और सभ्यता का संकट है। और अकेला स्वास्थ्य मंत्रालय किसी भी देश का या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अकेला इसका हल नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बहुआयामी प्रभाव हैं। जो बच्चे पहले वाले कोरोना के दौर में सीधे तौर पर ग्रसित नहीं हुए थे, दूसरे दौर में बड़ी संख्या में बच्चों को भी कोरोना वायरस फैला, और अब तीसरे दौर के बारे में जो बात कही जा रही है, ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि सबसे ज़्यादा इसके शिकार बच्चे ही होंगे। तो हम लोगों को पूरे विश्व के स्तर पर इसके लिए जो तैयारी करनी चाहिए वो शायद अभी नज़र नहीं आती है। दूसरे दौर की तैयारी भी अधिकांश देशों में ठीक ठाक नहीं थी, तीसरी दौर के लिए तो और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो एक मांग की मैंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं का एक इंटर एजेंसी हाई लेवल ग्रुप बने, जो कि दुनिया भर के देशों को मशविरा भी दे और उनको कुछ समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करे कि वो इसकी तैयारी अभी से शुरू करें, और जब ये होता है, दुर्भाग्य से अगर ये होता है, तो फिर उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी चाहिए। मैंने ये बात कही आज कि जब घर में आग लग जाए, इसके बाद आप अग्निशमन मंत्र के लिए, अग्निशमन यंत्रों के लिए दौड़ते हैं, पानी के लिए दौड़ते हैं, और पानी है नहीं आपके घर में, तो बहुत मुश्किल होती है। तो तीसरे दौर में अगर ये सब तैयारी पहले से हो जाए कि हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन हो, बच्चों की दवाइयाँ हों, अभी कहा गया था, हमारी किसी अखबार में मैं पढ़ रहा था किसी बहुत बड़े डॉक्टर की रिपोर्ट कि हमारे देश में ये जो सिरप हैं पैरासीटामोल के, एक्रोसिन के, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। तो ये सब तैयारी हमें करना चाहिए पहले से। और इस सिलसिले में मैंने कुछ दिन पहले भारत के हमारे प्रधानमंत्री महोदय को भी पत्र लिखा था कि एक तो नेशनल टास्क फोर्स बनाएं। आज मैंने दुनिया भर के मंत्रियों से भी ये बात कही है कि आप अपने अपने देश में जो विशेषज्ञ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक और बच्चों के संरक्षण के विशेषज्ञ, उनकी एक टास्क फोर्स बनाएं जो अभी से तैयारी में लगे। और अभी भी जो बच्चे सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हुए हैं उनके लिए भी काम करें, स्वास्थ्य के अलावा शिक्षा, उनको जबरदस्ती उनका बाल यौन शोषण बढ़ा है, ट्रैफिकिंग बढ़ी है, इन सब पर वो काम करें। प्रधानमंत्री जी को मैंने ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, तीन चीजें, राइट सर, आपके बात करते में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है। एक तो बच्चों का घर में 1.5 साल से घर के अंदर है, तो जो मनोवैज्ञानिक पहलू है निश्चित तौर से एक चिंता का विषय, पूरी दुनिया में इस पे बातचीत चल रही है। एक बात और है, वो ये है कि समान रूप से वितरण वैक्सीन को लेकर हो, पूरी दुनिया में हो, क्योंकि अगर कहीं भी कोई भी मुल्क छूटा या कोई भी कॉन्टिनेंट छूटा तो आप समझ लीजिए कोरोना से तो लड़ाई अधूरी छूट गई। साउथ अफ्रीका के एक विशेष एक बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने कहा है कि आप हमें भी वैक्सीन दीजिए, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं ऐसा होगा, दिक्कत आएगी और कोई बड़ा स्ट्रेन सामने, दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको कि उम्मीद है कि आपने भी उसको देखा होगा या चर्चा में आया होगा।
और एक तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, जब प्रोग्राम में खास तौर से भैया जी कहीं में जब हम चर्चा करते हैं तो आम पहलू से जुड़े हुए एक सवाल जरूर आता है, और एक सवाल जरूर आया जिसको आप जरूर अपने विषय में लाएंगे, और वो ये कि हमारी जो वैक्सीन है कोवैक्सीन है, और जो बाहर पढ़ने जाते हैं बच्चे उनको अभी एक बात आ गई है कि शायद वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, और वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू हो गई है, तो वो पूरी दुनिया में क्योंकि वैक्सीन को लेकर तो इतनी मारामारी है, तो रिकॉग्नाइज्ड हो और हमारे बच्चों को भी जो बाहर जाते हैं पढ़ने उनको भी वो चीज़ें बराबर अधिकार क्षेत्र में आए और उसको भी रिकॉग्निशन मिले, ये तीन पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी जी, देखिए ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है ये तो वैक्सीन बनने से पहले ही शुरू हो गई थी, सरकारों ने अपना गुणा भाग शुरू कर दिया था कि किन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए, किसके साथ बिजनेस रिलेशंस को ध्यान में रखते हुए कैसे कैसे हम लोग इसका वितरण करेंगे या बेचेंगे या खरीदेंगे, ये सब पहले से चल रहा था। अब अमेरिका को ले लीजिए, अमेरिका ने तो 600 मिलियन मतलब 60 करोड़ वैक्सीन्स का जुगाड़ पहले कर लिया था, खरीद ली थी, ऑर्डर कर दिए थे या जो भी, तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। और इसके बाद उसके वितरण में बहुत समस्या आ रही है। आज मैंने ये मुद्दा बहुत जोर के साथ उठाया, 2-3 मुद्दे उठाए जिसमें कहा कि वैक्सीन का वितरण, वैक्सीन का निर्माण, वैक्सीन का जो जो भी उसमें हर्डल्स हैं, जो उसमें ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है या रॉ मटेरियल की बात है, इस सब का इस सब के बीच में एक इक्विटी की बात हमने कही कि इसमें एक समानता बढ़ती जाए और साथ साथ न्यायपूर्ण तरीके से और डेमोक्रेटिक तरीके से, बहुत ही ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से इनको पूरी दुनिया का वस्तु बनाया जाए। हम लोगों ने 170 नोबेल लॉरिएट्स और विश्व नेताओं ने पहले ही मिलकर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कई शामिल थे, तो हमने ये अपील की थी दुनिया से और खासकर अमेरिका से शुरू में बाइडेन साहब से कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खत्म करो और इसको पब्लिक गुड एक एकदम मुफ्त तरीके से सबको मिलने वाली, सबको सुलभ करने वाली वैक्सीन बनाओ। और ये बात मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी में भी लिखी कि भाई हम भारत में सबसे आगे बढ़ के नेतृत्व कर सकते हैं पोलियो ड्रॉप लगाने का, तो हम वैक्सीन भी बना सकते हैं और लगा सकते हैं, हमको ये करना चाहिए। तो ये जो इक्विटी इन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक बहुत ही मेजर बड़ा मुद्दा है, और अगर हमें डिप्लोमेसी करना है, सारी दुनिया डिप्लोमेसी करती है, तो वैक्सीन डिप्लोमेसी में हम बार बार कह रहे हैं कि एक दूरदर्शी, एक करुणामय, कंपैशनेट मॉरल लीडरशिप हर जगह होनी चाहिए, हर स्तर पर होनी चाहिए। जब तक हम ग्लोबल कंपैशनेट मॉरल लीडरशिप के लिए बात नहीं करेंगे तो सब अपना अपना टुकड़ा 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 में करेंगे। राइट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सामंजस्य होना चाहिए, पूरी दुनिया में होना चाहिए, और वो जो अंदेशा अफ्रीका से उठा है कि अगर मैं अफ्रीका छूट गया, कहीं कॉन्टिनेंट छूट गया, तो न जाने भविष्य में कौन सा स्ट्रेन वहां से निकलेगा जो पूरी दुनिया को एक बार फिर गंभीर चिंता में डालेगा, ये वहां पे आशंकाएं दी जा रही हैं। इसी को लेकर कहा जा रहा है एक सामंजस्य, एक समान वितरण। हम कहें कि अगर एक भी बच्चा वैक्सीन से रहित रह गया दुनिया में तो पूरी दुनिया में खतरा बना रहेगा, एक भी बच्चा, अगर एक भी बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा इस कोविड से या इसके म्यूटेशंस आ रहे हैं उनसे, तो दुनिया सुरक्षित नहीं रहेगी, क्योंकि इसके म्यूटेंट्स, मल्टीपल म्यूटेंट्स इतने गंभीर और इतने खतरनाक हैं कि हर एक को, एक देश की बात नहीं, अकेले अफ्रीका की, मैं तो कहता हूं कि दुनिया के प्रत्येक देश के प्रत्येक व्यक्ति को और प्रत्येक बच्चे को वैक्सीनेट करना जरूरी है अगर हमें दुनिया को बचाना है तो। राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जो आपने आज यूनाइटेड नेशन के बीच दरमियान में ये बात उठाई और कहा, तमाम दुनिया भर के जो स्वास्थ्य मंत्री खट्टा थे जिनको आपने आज संबोधित किया, ये गौरव के बात भी थी, गौरव के क्षण भी थे जहां पे आपने सामंजस्य। आज मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से, अपोजिशन के नेताओं से और प्रत्येक सांसद के सामने गुहार लगा के कहना चाहता हूं कि ये मौका है जब संविधान में संशोधन करके स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए।
हमने शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई लड़े और हम जीते, और आज हमने देखा है कि भारत में शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतर हुई है पहले के मुकाबले। संविधान संशोधन करके, कृपा करके शिक्षा को प्रत्येक भारतीय का मौलिक संवैधानिक अधिकार बनाया जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हमारे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद है, जहां पे चर्चा हो रही थी कि कैसे सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, ये जो प्रदर्शन है तो किसान प्रदर्शन करने जा रहे हो, कैसे सुपर स्प्रेडर हो सकता है, खतरा लगातार बना हुआ है जब गांव चिंता का विषय बने हुए हैं, हम लौटेंगे उसी मुद्दे पर, बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। संयुक्त किसान मोर्चा के झंडे तले 26 मई को किसानों ने कहा है कि वो काला दिवस मनाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद है पैनल में, जिन्होंने बात कही कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि हम 5-5 किसान गाँव में जो है निकल के आएंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और पुतला फूकेंगे। और इसी पे बातचीत की, आखिर इस संकट के समय में ये खतरा मोल क्यों लिया जा रहा है? डॉक्टर शुभा राव, जो कि जिनके नेता ने साइन किया है, साफ कहा कि ये गलत है, अगर डॉक्टर के नाते मुझसे पूछेंगे तो ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। गुरु प्रकाश जी का तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि पैनल पे पहले नहीं बात कर पाया था क्योंकि मेहमान जुड़ रहे थे, मैं उनके पास आता हूँ। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड, साधना भारती ने जो बात कही, धर्मेंद्र मलिक साहब ने जो बात कही, उस पर अब आप रिस्पॉन्ड करिए। गुरु प्रकाश, ऐसा है कि माफी की कोई बात नहीं है, हम सबको अभी, हम सब जानते हैं कि अप्रत्याशित संकट से गुजर रहे हैं और जितनी चर्चा हो उतनी अच्छी है, लेकिन दो अहम बातें मैं कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। देखिए, एक तो ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि एक क्राइसिस, एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है, और अभी आदरणीय सत्यार्थी जी ने भी यही बात कही, लेकिन पिछले एक वर्ष में जिस युद्ध स्तर पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लीडरशिप का उदाहरण प्रस्तुत किया है, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। पीपी किट की क्या स्थिति थी, टेस्टिंग सेंटर की क्या स्थिति थी, तब एक था, आज 2500 है। हम लोगों ने कहा था कि वैक्सीनेशन हम अगस्त के महीने तक 20 करोड़ का आंकड़ा टच करेंगे, हम 20 करोड़ टच करने वाले हैं। तो दो प्रकार की बातें होती हैं, आप आंदोलन करिए लेकिन सुझावात्मक आंदोलन हो, सोल्यूशन ओरिएंटेड बात हो, आप सजेशन भी दीजिए। हमने देखा है किस प्रकार से टूल किट का पूरा मामला देश के सामने उजागर हुआ है। दूसरी बात, अभी किसान आंदोलन की भी बात हो रही थी, देखिए हम लोगों ने निरंतर ये कहा है और हम ये मेंटेन करते हैं कि हमारे नीति निर्धारण के केंद्र में गरीब, वंचित, दलित और किसान है। अभी पिछले दो पॉलिसी इनिशिएटिव्स की बात करना चाहूंगा, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि हमारे भारत में दूसरी सबसे अधिक यूज होने वाली फर्टिलाइजर है, उसपे 140% अधिक का हम लोगों ने सब्सिडी बढ़ाया है, तो ये पूरे देश के किसान कैसे लाभान्वित हों। वहीं अभी अक्षय तृतीय पे अभी 8वां इंस्टॉलमेंट भी जारी हुआ पीएम किसान का, पीएम किसान के तहत, पीएम किसान योजना के तहत हम लोग 11 करोड़ किसान भाइयों तक पहुंचे हैं, हम लोग 11 करोड़ किसान भाइयों तक पहुंचे हैं। इसीलिए हमारे लिए अंत्योदय जब हम कहते हैं तो हमारे लिए प्रतिबद्धता है, सिर्फ नारा नहीं है, बहुत ही संकट का समय है। और मैं सुन रहा था अभी कि किस प्रकार के विरोधाभास बातें हो रही हैं, आप आलोचना करिए, आलोचना के साथ साथ कंस्ट्रक्टिव बात भी करिए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बात करिए। जिस प्रकार 12 के 12 राजनीतिक दल सामने आ गए हैं, और मैं तो आपका आभारी हूं कि धर्मेंद्र मलिक जी ने यह बात कही है कि प्रतीकात्मक आंदोलन होगा, ये आंदोलन प्रतीकात्मक होगा, किसान भाई अपने घर पे आंदोलन करेंगे, उसको ब्रेकिंग न्यूज बना करके चलाना चाहिए, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया में यही चल रहा है कि भाई किसान आंदोलन होगा, फिर से लोग आएंगे। आपने आश्वासन पहले भी दिया था, आपने आश्वासन दिया था कि भाई तोड़फोड़ नहीं होगा, आगजनी नहीं होगी, उद्दंडता नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन राजधानी के सड़कों पर जिस प्रकार की उद्दंडता दिखाई गई थी वो पूरे देश ने देखा था, इसलिए आपके आश्वासन का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप लोगों के जो जो मांगे, सरकार ने कहा है भाई आप लोगों का विरोध उस कानून के खिलाफ में जो कानून अभी लागू भी नहीं है, तो सरकार की मंशा पे प्रश्न उठाना बंद करिए। अभी हम लोगों को जो भी अलग अलग राजनीतिक दल में है, सामाजिक संगठनों में है, सरकार ने साफ में आकर के साफ में आइए, वाराणसी के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रस्तावक है चंद्रलाल मिश्रा जी, आज उनके बेटे, उनके बेटे का लगातार आप चिल्लाते रो रहे हैं, उनके आगे क्या कहते हैं आप, न्यूज के दर्शकों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप चिल्लाते दर्शकों के साथ अन्याय करिए, आप करते रहिए, आप अपने संगठन के संस्कारों का परिचय दे रही हैं, आप अपने संगठन के संस्कारों का परिचय दे रही हैं। मैं आपसे चिल्ला चोट नहीं करूंगा, मैं शांत बैठा हूं, प्रतीक जी मैं शांत बैठा हूं, ये मेरे बीच में बोल रही है, जन की बात करना चालू करो, और ये जो आप फैला रहे हैं नेता, इनको समझाइए कि आपने
आप मुझे जरा मौका देंगे एक बार, लेकिन मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, बिल्कुल मैं दे रहा हूँ गुरुप्रकाश, मैं आपको दे रहा हूँ गुरुप्रकाश, मैं देखिए प्रतीक जी ये बहुत ही गलत तरीका है, ये बहुत गलत साधना 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 दो साइड देखिए साधना भारती साधना भारती साधना भारती साधना भारती साधना भारती दो साइंटिफिक टाइम पर कम से कम दो डॉक्टर्स तो इस पैनल में मौजूद है ना, डॉक्टर अजय और डॉक्टर शुभा राव, शुभा राव ने तो पार्टी से लाइन से हटकर बोल दिया, दो दो डॉक्टर्स तो बैठे ही है ना, तो जो आप बात कह रही हैं वो मैं गुरु प्रकाश से पूछूं या डॉक्टर अजय से पूछूं, दोनों बात वही कहेंगे, लेकिन गुरु प्रकाश आपने कहा कि नहीं अंधविश्वास फैला रहे हैं, गुरु प्रकाश जी क्लियर करिए उसको, मैं आ रहा हूं अजय आपके पास आ रहा हूं, गुरु प्रकाश जी क्लियर करिए, आप दूसरों के बात में क्यों बोलती है, आप दूसरों के समय में बोलती हैं, आप अपने संस्कारों का परिचय नहीं दे सकते, हम लोग शांतिपूर्वक बैठे थे, हम शांतिपूर्वक बैठे थे, आप लोग टूल किट बनाइए, आप देश को बताओ करिए, आप टूल किट बनाइए, साधना क्या दिक्कत, साधना 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 क्या साधना दिक्कत क्या है, साधना भारती प्लीज, साधना भारती प्लीज, साधना भारती प्लीज टेल मी, साधना भारती प्लीज, साधना भारती आई विल गिव यू टाइम, मैं आपको टाइम दे दूंगा, आपको टाइम दे दूंगा जी, गुरु प्रकाश प्रतीक जी देखिए हम लोग अपने संगठनों का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किसके संगठन के क्या संस्कार है ये आज पूरे देश ने देख लिया है, हम लगातार ये कह रहे हैं कि आप आइए साथ काम करिए, कंस्ट्रक्टिव काम करिए, सुझाव दीजिए उसका स्वागत करते हैं, लेकिन आप लोग तो टूल किट पे लगे हुए हैं और उसी टूल किट के मुताबिक आप अटैक करते रहिए, आप भारत के आइडिया पे अटैक करिए, आप प्रधानमंत्री जी की आलोचना, गुरु प्रकाश एक बात मुझे भी कहनी है, गुरु प्रकाश एक बात तो मुझे भी कहनी है, गुरु प्रकाश एक बात तो मुझे भी कहनी है, आपके नेता भी कुछ ऐसे ऐसी वाक्य बोल देते हैं जो कि नहीं कहने चाहिए, अब वो आप कह देते हैं कि किसानों किसान तो है नहीं वहां पे आड़सिया बैठे हुए हैं, तो देखिए आप अगर इरिटेट कर रहे हैं या किसान पे कहीं आप ऐसे वाक्य बोल रहे हैं कि आड़सी हैं आप तो किसान नहीं है, तो चीजें तो कूल डाउन करनी चाहिए ना, कि उनको आप इतना ज्यादा उसमें आग डाल देते हैं, तो ये भी चीज इससे भी तो बचना चाहिए, किसान कोई है तो कम से कम उसको तमाम सारे उसके फैक्टर्स हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है, गुरु प्रकाश प्रतीक जी एक एक भाई और बहन जो वहां बैठे थे उन सबका हृदय से बहुत सम्मान है और इसी सम्मान के तहत 12 दौर की बातचीत हुई है, एक दो दौर की बातचीत नहीं हुई है, 12 दौर की बातचीत हुई है, क्या आंदोलन देश में पहले नहीं हुआ था, किसान आंदोलन देश में पहले भी हुआ था लेकिन उसका एक नेतृत्व हुआ करता था, चौधरी चरण सिंह के समय हुआ था 70 में, टिकैत जी के समय हुआ था 87 में, इस आंदोलन में ना कोई नेतृत्व है ना कोई मुद्दा है ना कोई एजेंडा है, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, देश इससे सबसे पहले ये कह रही हूँ की मैं तो खुद कहती हूँ अंधविश्वास के आडंबर में आग लगा दो और अपने वतन से पतन पाखंड मिटा दो, मैं ये कह रही हूँ की जितने भी इनके नेता है वो सामने आकर ये कहे कि गोमूत्र किट गोबर लेप किट कीचड़ लौट किट थाली बजाओ किट घंटी बजाओ किट से कोरोना नहीं भागेगा, कोरोना दवाई टेस्ट कराने से और वैक्सीनेशन लेने से भागेगा, कन्या जागरूकता अभियान और बाराबंकी को हमने पत्र लिखा था, हमने ये कहा था कि आप किसानों की मांगों को मानते हुए इस वक्त इन कानूनों को वापस ले लो, डॉक्टर अजय डॉक्टर अजय नहीं 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 साधना 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 आप तो मध्य प्रदेश से आती है ना, साधना आप तो मध्य प्रदेश से आती हैं, साधना भारती अगर मुझे ठीक से मालूम है तो आप तो मध्य प्रदेश से आती हैं, तो आपके कांग्रेस के नेता वहां क्या कह रहे हैं आग लगा दीजिए, डॉक्टर अजय आलो मैं जानता हूं साधना आपको जानता हूं, मैं ये कह रहा हूं वहां आपके नेता क्या कह रहे हैं कमलनाथ की आग लगा दीजिए, तो आप ये समय है इस बात को कहने का, डॉक्टर अजय आलो प्रधानमंत्री जी की जो बात आई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के छात्रों को आने से नौकरी ऐसा है इनको पहले चुप करवाइए तब तो कुछ बोलेगा, तो अगर वो तो भी बोलती बोलते हैं तो फिर विदेश मंत्रालय को आपत्ति करनी चाहिए थी हिंदुस्तान के, क्यों नहीं की गई, डॉक्टर साधना भारती ठीक साधना भारती सुन लिया डॉक्टर अजय आलोक प्रतीक जी ये पैंडेमिक पिछले मार्च से देश में आया 2020 से और ये फैलता चला गया लॉकडाउन की घोषणा हुई, जरा पिछले मार्च से आपकी तो मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, हमारे और पैनलिस्ट लोग की भी मेमोरी बहुत अच्छी होगी, जरा मुझे एक इंस्टेंस पिछले मार्च 2020 से लेके मई 2021 कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक सकारात्मक अगर बात हुई हो मार्च 2020 से लेके आज मई 2021 में किसी भी नेता के द्वारा एक सकारात्मक बात आप बता दीजिए, मुझे अपने दर्शकों को भी बताइए, आर्काइव निकाल के खोज लीजिए, ढूंढे नहीं मिलेगा,
तो मैं तो अब कहता हूं, मैंने कहना भी शुरू कर दिया है कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है, करती है, करती रहेगी, ये कहना ही छोड़ देना चाहिए। अब नया मंत्र देना चाहिए, कांग्रेस अपना काम कर रही है, कांग्रेस को अपना काम करने दीजिए। काम क्या है सबको पता है, तो सरकार को हम लोग का जो काम है, जो देश की सत्ता में है, जो राज्यों की सत्ता में है, वो अपना काम करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। एडवाइस एक ही है कि कांग्रेस ज्यादा बोलते बोलते जरा ये भी याद रखिए कि पांच राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की भी है, और इसी पांच राज्य में 70% केस देश के आ रहे हैं, इसी पांच राज्यों में मौतें भी 70% की हो रही है। अब आप बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, मेरे को उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, सच्चाई तो बदलेगी नहीं, लेकिन एक सकारात्मक काम कांग्रेस पार्टी गिना दे मार्च 2020 से मई 2021 तक, तो एकदम बिल्कुल एक नया इतिहास बन जाएगा। एक सकारात्मक बात, लॉकडाउन का पहला विरोध 2020, लॉकडाउन क्यों लगाया, लॉकडाउन के बाद व्यवस्था नहीं है, पीपी किट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसके बाद दूसरी लहर आ गई, उसके बाद वैक्सीनेशन मत लो, वैक्सीनेशन पे कंफ्यूजन, उसके बाद अभी लगातार हर चीज पे राजनीति, क्या क्या घटिया काम नहीं किए कांग्रेस पार्टी ने, एक अच्छा काम किया वो बता दे, एक अच्छा काम। साधना भारती, साधना भारती, साधना भारती, नाउ प्लीज रिस्पॉन्ड, साधना भारती, साधना भारती प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। अब आप बोलेंगे साधना भारती, थैंक यू डॉक्टर सुबा राव। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कह रहे हैं आप चिल्लाते रहिए हमें फर्क नहीं पड़ेगा, इनकी रणनीति यही है कि आप चिल्लाइए, रोइए, बिलखिए, तड़पिए, खड़े रहिए लाइनों में, दफन हो जाए हिंदुओं की लाशें, हिंदू धर्म के तथाकथित ठेकेदार कुछ नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि गांव गांव के अंदर ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कच्चाधारी आते थे चंदा चाप तुरंत करने के लिए पर्चियां लेकर, क्यों आप वैक्सीन किट, दवाई किट और जरूरी चीजों की किट, राशन किट लेकर नहीं घूम रहे? दूसरी बात जरूरी, वाराणसी के अंदर पीएम के जो प्रस्तावक रहे लोकसभा चुनाव में, छन्नूलाल मिश्रा जी की बड़ी बेटी ने क्या किया है, पंजाब में क्या किया है, महाराष्ट्र में क्या किया है, जरा बताइए। अभी तक उसकी उनकी सीसीटीवी फुटेज नहीं दिलाई जा रही, कभी पीएमओ के फोन लगा रहे हैं, योगी क्या किया, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, 25,000 रुपए लेकर एटीएम से तत्काल निकाल कर दिया, तब सबकी शक्ल देखने को मिली। तो अगर वाराणसी के हाल है तो देश के क्या होंगे, और बाबा रामदेव कहते हैं कि एलोपैथी स्टूपिड है, तो उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये मैंने मांग कर दी, लेकिन आप कार्रवाई किस पर करेंगे जो मददगार है? अरे कांग्रेस तो हमेशा गुरुप्रकाश, गुरुप्रकाश जल्दी से, गुरुप्रकाश नो, प्लीज रिस्पॉन्ड, गुरुप्रकाश, गुरुप्रकाश प्लीज रिस्पॉन्ड, गुरुप्रकाश देखिए गुरुप्रकाश प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी ऐसा है कि मेरी बहन का जो उत्साह है हम समझ सकते हैं, ये बिल्कुल अपने टूल किट के हिसाब से एक्ट कर रही हैं, इनके बड़े नेता भी टूल किट के हिसाब से एक्ट करते हैं, ये टूल किट के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मैं नहीं चिल्ला सकता हूँ, आप तो घड़ियाल साधना सुन लीजिए, नहीं बोलते हैं किसी के बीच में। प्रतीक जी देखिए, किसी के बीच में साधना दीदी, टूल किट पर्सनल नहीं था, आपकी पार्टी का था, आपने कहा साधना गुरुप्रकाश, मैं दोनों को रोक रहा, डॉक्टर शुभा राव, आपने जो बात कही, डॉक्टर है, डॉक्टर के टेम्परामेंट, साइंटिफिक, मैं आ रहा हूँ गुरुप्रकाश, आ रहा हूँ डॉक्टर शुभा राव, आपने जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करी वो बहुत स्वागत योग्य है। आपने कहा कि एज अ डॉक्टर आप हमसे पूछेंगे तो कहीं भी किसी लोगों को इकट्ठा होना, या चाहे पांच लोगों, मैं आ रहा हूं गुरुप्रकाश, मैं आ जाऊं, आई विल गिव यू टाइम। डॉक्टर शुभा राहुल, आपने ये बात कही, नाउ यू प्लीज कंटिन्यू, डॉक्टर शुभा राहुल योर टेक। जस मुझे ये कहना है कि ठीक है, ये तो बात बराबर है कि आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हमारे सभी स्तर के लोगों तक वैक्सीन पहुंची नहीं है और समस्याओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। नौबत ही ना आए किसी पर कि आंदोलन करना पड़े, और इसके पीछे की भावनाओं को हमने समझना चाहिए। किसानों के पीछे की भावना ये है कि किसान हमारे देश का मूलभूत घटक है, अगर उसको आंदोलन पर हर बात के लिए आंदोलन करना पड़ता है तो ये भी तो हमारी सफलता नहीं है, विफलता है। तो मेरा यही कहना है कि पॉलिटिकल डिबेट और पॉलिटिकल ये सब नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे की भावना समझनी चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में हमारे मुख्यमंत्री हर स्तर के लोगों को
लोगों की समस्याओं की, उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। तो ये किसानों पर इस तरह की नौबत नहीं आनी चाहिए, ऐसा ही मेरा कहना है। गुरुप्रकाश जी प्लीज रिस्पॉन्ड करिए वैक्सीन के लिए, साधना भारती सुनेंगे बात पूरी। प्रतीक जी मैं डॉक्टर शोभा जी की बातों को सुन रहा था और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था, शेतकरी आंदोलन, और शरद जोशी जो उसके नेता थे उनके भी यही विचार थे कि एपीएमसी में रिफॉर्म्स होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस की हमारी बहन आई है वो लगातार हस्तक्षेप कर रही है, हम लोगों का स्वभाव और संस्कार ऐसा नहीं है, एक मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए, हम सब इस विचार के लोग हैं। लेकिन लगातार जिस प्रकार आप लोग पर्सनल अटैक कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, आप लोगों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जब वैक्सीन आ रही थी तो पानी पी पी कर आप लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया, आपने कहा वैक्सीन राष्ट्रवाद हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो आधिकारिक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हम तो कोवैक्सीन लगाएंगे ही नहीं, जब लॉकडाउन लगता है तो लॉकडाउन हटाइए, जब लॉकडाउन हटता है तो लॉकडाउन लगाइए। आप लोगों के मन में कोई पॉलिसी क्लैरिटी तो है ही नहीं, कोई पॉलिसी क्लैरिटी नहीं है। जो देशज ज्ञान है, जो देश की बात है, आप उस पर आक्रमण कर रहे हैं, आप आक्रमण करते रहिए। कमलनाथ जी कहते हैं आग लगाने का समय है, मैं आश्चर्यचकित हूं, क्या ये आग लगाने का समय है? जो देश की तथाकथित ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो आज किस स्तर पे आ गई है कि वो इस प्रकार की विपदा का लाभ उठाएगी, राजनीतिक लाभ उठाएगी? देखिए मुझे शर्म आता है ये कहते हुए कि कांग्रेस पार्टी इस देश की एक पार्टी है, जहां लगातार एक सिंगापुर का देश है, सिंगापुर ने अपना विरोध दर्ज कराया सिर्फ सिंगापुर वेरिएंट बोलने पे, और आप लोगों ने टूल किट का एक एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो ही किया, और ट्विटर पे आप लोग डालते हैं इंडियन वेरिएंट। लगातार आपको देश की जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा, आपकी जवाबदेही बनती है, आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। प्रतीक जी राइट, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं, कुछ नए मेहमान जुड़ेंगे मुझे मेरे साथ आज श्रीनगर से, एक ऐसा शख्स जो किस तरह से रोशनी जलाए हुए, अलख बनाए हुए, उसको देखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है, बातचीत के सिलसिले को फिर से शुरू करेंगे। आंदोलन है, प्रदर्शन है, काला दिवस है और कोरोना की महामारी है, इन तमाम सारी जद्दोजहद के बीच एक स्टोरी ऐसी भी है जो आपको कहीं ना कहीं से खुश करेगी, लगेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो रोशनी दिखाई पड़ रही है। बागात बरजुला वो इलाका है श्रीनगर का जहाँ पे एक गुरुद्वारा है, भली भांति वाकई में बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है बागात बरजुला में, वहीं पर एक शख्स हैं जगजीत जी, और दिव्यांग है और छोटी सी एक नौकरी करते हैं और उस नौकरी से कुछ पैसा निकालते हैं, लाइब्रेरी शुरू करते हैं। लाइब्रेरी शुरू करते हैं, एक अरसा होता है जब ये कोरोना आता है, उस कोरोना के पीरियड में खड़े हो जाते हैं और कोविड हेल्पलाइन शुरू कर देते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में मदद के रूप में एक सामने खड़े होते हैं। बागात बरजुला के इस गुरुद्वारे में मेरा जाना हुआ है उस दौर में जब 2014 में श्रीनगर में बाढ़ आई थी और उस समय इन्होंने वहां पे भी एक हेल्प सेंटर खोला था और आज कोविड के बीच में कोविड हेल्पलाइन और कोविड हेल्प सेंटर चला रहे हैं। जगजीत जी मैं आपका स्वागत करता हूं, सैल्यूट करता हूं और जिस तरह से जिन हालात में आप काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और हमारे साथ दूसरे शख्सियत हैं समाजसेवी अरुण बजाज जी, जिन्होंने फरीदाबाद में एक 75 बेड का एक कोविड सेंटर शुरू कर दिया। मैं आपको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ अरुण बजाज जी। ऐसे मुश्किल हालात में जब कैरेक्टर चरित्र सामने निकल के आता है, लोग देखते हैं तो वही उदाहरण बनता है। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए आप बहुत काम कर रहे हैं ये मुझे बताया गया। अरुण मिजाज जी मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन सबसे पहले जगजीत जी मैं आपके पास आता हूं बगैर वक्त भाई। जब बहुत मुश्किल हालात हों और ऐसे मुश्किल हालात में जब आप खड़े होते हैं तो कौन सी ऐसी चीज, आप दिव्यांग हैं, वो कौन सी ऐसी चीज है जिसने आपको ये प्रेरणा दी कि नहीं खड़े हो जाइए और सामने आइए, लोगों की मदद करिए? और मैंने देखा कि एक कॉपी एक पेंसिल आप लेते हैं, उस पर नोट करते रहते हैं, ऑक्सीजन और तमाम सारी चीजें तहकीकात करते हैं। जगजीत जी जी हाँ जी सर, मेरा जो रिलीजन है वो मेरे को प्रेरणा देता है कि जो हर किसी बंदे की हेल्प करनी है, जितना हो सके हार नहीं माननी है, तो जितना हो सके हर किसी की कोशिश करनी है कि हेल्प करनी है। पॉसिबल तो नहीं है हर एक की हेल्प करना, लेकिन जितना एक बंदे से हो सके तो अपनी कोशिश पूरी तरह से करनी चाहिए। जी लाइब्रेरी भी आप चलाते हैं
और उस लाइब्रेरी में मैंने देखा, मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों, सुना कि बहुत सारे बच्चे उससे हेल्प भी लेते हैं, तो कैसे ये दिमाग में आया कि लाइब्रेरी शुरू करी जाए? एक छोटे से गुरुद्वारे के एक छोटे से कमरे में आपने शुरू किया, आज तो सुनते हैं श्रीनगर में आपसे सभी लोग भली भांत परिचित हैं। जगजीत जी। जी सर, बात ऐसे कि हमारी कम्युनिटी ने मिलकर सोचा कि एक जो है बच्चों के लिए लाइब्रेरी रीडिंग रूम होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर में हालात खराब होने की वजह से हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट का जोन नहीं, जरिया नहीं था, बाहर जा नहीं सकते थे। तो वहां पर कम्युनिटी ने मिलकर सोचा कि सब जो हमारे एरिया के लोग हैं उन्होंने सोचा कि लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो मेरे को उन्होंने फिर ये ड्यूटी दी कि आप ये संभालेंगे। तो फिर तब हमने 1994 में स्टार्ट हुआ था, तो उन दिनों हमारे पास गिनी चुनी कुछ बुक्स होती थी। तो आज 25 सालों के बाद हमारे पास बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, जिसमें हर टाइप की बुक्स हैं, कोई भी आते मैगजीन्स आती हैं, हर कोई मटेरियल अवेलेबल है, कोई भी आते यहाँ पर आके पढ़ सकता है वो बुक्स वगैरह। जगजीत जी, इसमें कोविड के पीरियड में कैसे काम करते हैं आपका ऑक्सीजन से लेकर? मैंने देखा कि आप पूछ रहे थे लोगों से कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना है, किस तरह से कॉल्स आपके पास किस तरह की आती हैं और किस तरह की मदद आप दे पाते हैं? जगजीत जी। सर, ये जो प्रोजेक्ट है कोविड का, ये हमारे डॉक्टर्स हैं कम्युनिटी के, तो उन्होंने ये सब ऑर्गेनाइजेशन, हमारी गुरुद्वारा जो मैनेजमेंट कमेटीज हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो सब ने मिलकर सोचा कि ये जो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। तो ये कोविड का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, इसमें मेरे जो जिम्मे आई है वो हेल्पलाइन चलानी है, लोगों को गाइड करना है। तो हम मील्स वगैरह भी हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स होते हैं उनको मील्स प्रोवाइड करते हैं। फिर फोन पर जो भी हमें कोई भी हेल्प मांगता है, किसी को कॉन्सेंट्रेटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये हम पेशेंट्स को जैसी उनकी नीड हो उसी तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट एक साल में थैंक यू सो मच जगजीत जी, आपने जो तमाम सारी चीजें कर रहे हैं और आपको प्रेरणा मिलती है और आप समाज के लिए एक प्रेरणा है। अरुण बजाज जी, मैं आपके पास आता हूं। 75 लोगों का आपने एक हॉस्पिटल शुरू कर दिया, जब सोच ही नहीं सकता कोई कि कैसे शुरू हो, कैसे बनाए, आपके दिमाग में कैसे आ गया, और एक बहुत अच्छी फैसिलिटीज के साथ, तो कहां से प्रेरणा मिली और हॉस्पिटल को क्या आगे भी ले जाना है, किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, ये जानना चाहते हैं लोग। फरीदाबाद में आपने ये शुरू किया सेवा। जी अरुण जी। जी 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 नमस्कार सर, ऐसे है जो पिछले दिनों में जो सेकेंड वेव में कोरोना का एकदम से एक वेव बड़ी तेज हो गई थी, और चारों तरफ ऐसे लगा कि पता नहीं सारा अपना सिस्टम सारा फेल हो गया, लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं थी और काफी सारी दिक्कतें फेस कर रहे थे। तो हमारा कई ग्रुप बने हुए सर, हमारा एक राजस्थान एसोसिएशन है जो काफी बड़ा ग्रुप है यहाँ पे, तो वो कुछ और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के हम लोगों ने एक विचार किया कि अभी जो इतनी दिक्कत चल रही है, तो ना विद ऑक्सीजन एक कोविड केयर सेंटर खोला जाए। तो हमारा सेक्टर 14 में नशा मुक्ति केंद्र में हमारी बिल्डिंग है राजस्थान एसोसिएशन की, जहाँ पे अमन बुद्धि बच्चों को हम पढ़ाते हैं। स्कूल पिछले कोविड काल में बंद है, हम लोगों ने सोचा कि उन्हें भारत पाल परिषद की भी बिल्डिंग है, तब दोनों ने मिलकर के वहाँ पे 75 बेडेड एक ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन बेड का विद मेडिकल टीम, पैरामेडिकल और मेडिकल टीम के साथ हमने पिछले 15 दिन से बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा सर कि वहाँ पे एक अच्छी बात है कि वहाँ पे अभी तक जो भी पेशेंट आए हैं वो ठीक होके गए हैं, या कुछ एक दो पेशेंट जो कुछ क्रिटिकल थे हमने एडमिट करवा दिया। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू। मानव सेवा समिति जो आपकी है वो आगे सा काम कर रही है, उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा और समाज को जब जब जरूरत पड़ेगी जगजीत जी जैसे लोग, अरुण जी जैसे लोग आगे आएंगे और ये गांव तक पहुंचे, देहात तक पहुंचे ये रोशनी मसाल, तो और ज्यादा बड़ी बात है, वहां तक पहुंचेगी ऐसा उम्मीद रखते हैं। थैंक यू सो मच। आज भैया जी कहीं में सिर्फ इतना, लेकिन कल होगी फिर मुलाकात, वक्त है आर पार का।